आज का रात्रि क्लास है 14 दिसंबर 1967। ये भी वाणी अधूरी उठाई गई है। बोला संबंध में ये अखबार से अखबार में बहुत पड़ता है आजकल। क्योंकि वो जो महर्षि योगी हैं वो ले आए हैं कोई विलायत से, जिनको ले आए हैं मेरे ध्यान में वो शराबी कबाबी एक्टर्स हैं। तो किसी ने कहा बीटल्स है, वो महर्षि महर्षि योगी बीटल्स को ले आया। हाँ, बीटल्स कहते हैं, नाम लगाए दिया है बीटल्स। अरे बीटल बीटल तो हम कहते हैं। किसको कहते हैं? टिंडनिंग को। टिंडनी को ना, टिंडनी को बीटल बिस्टील बीटल्स किसको कहते हैं? किसी ने कुछ कहा कि हठ योगी है। अरे राजयोग तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। तो इस राजयोग के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि योग दो प्रकार के हैं। एक हद का योग जो सन्यासियों ने सिखाया, घर बार छोड़ना हद का, और एक बेहद का जो बाप सिखाते हैं कि मन बुद्धि से सारी दुनिया को त्याग देना है, भस्म होने वाली दुनिया को याद ही नहीं करना। तो यह हद के योग का नाम है हठ योग और बेहद के योग का नाम है राजयोग। ऐसे है ना बच्चे? तो ये कौन सा योग सिखलाते हैं? है ये जो बीटल बिस्टील जिसो को भी ले आए हैं, ये कौन सा योग सिखलाते हैं, हद का कि बेहद का? क्योंकि हठ योगी तो राजयोग सिखलाए ही नहीं सकते हैं। और राजयोग सिवाय इनकार प्यूलियल नॉलेज फुल गॉड फादर के सिवाय कोई नहीं सिखला सकते। तो ये बीटल्स कौन सा योग सिखलाते हैं? उनको लिख सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना, थोड़ी सी दो अक्षर की बात है। क्योंकि ये बीटल्स आदि हठ योगी या महर्षि योगी ये है हर्थ एंड होम छोड़ने वाले, और जो भगवान हमको सिखलाते हैं वो तो पुरानी दुनिया को त्यागने की, बेहद के सन्यास की बात करते हैं। तो
उनका है हठ योग, हद का हठ योग, इसलिए कि त्याग तो देते हैं लेकिन मन से याद करते रहते हैं, तो हट करते हैं ना, तो जो बाप से खिलाते हैं वो है प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग। प्रवृत्ति में रहो भी और सहज सहज राजयोग सीखो। अभी तो ये सहज बातें हैं, कोई भी जवाब दे कि उन लोगों के पास पत्र पहुंचे या न पहुंचे, अरे वो जवाब देवे या न देवे, तो अखबार में तो बहुत जवाब लिखते हैं, दूसरा जवाब देते हैं, तीसरा उसको खंडन कर देते हैं, चौथा उनको कोई दूसरा निकलता है, तो ऐसे चले आते हैं। अब यहां से भी कोई ऐसा सेंसिबल बच्चा हो बे तो लिख करके पूछ सकते हैं, तो बाबा तो डायरेक्शन देते हैं ना। अगर बच्चा ना करता है तो ना की हालत में कहेंगे नॉनसेंसिबल। अच्छा, अभी लैंग्वेज के ऊपर भी तो चलते हैं। क्योंकि ये भी कहते हैं कि थोड़े रोज में और ये हिंदी भाषा कर ही लेंगे, कर ही देंगे। तो उनको भी ऐसे लिखना है। कि भाई एक भाषा तो तब होगी जब एक राज्य होगा, तब ही एक भाषा हो सकती है। यहां तो प्रजा ढेर की ढेर है, ढेर के ढेर मिनिस्टर्स हैं, अपनी अपनी अपना अपना राग सब आपते रहते हैं, अनेक बातें हो गई ना, अनेक भाषाएं हो गई, कोई क्या भाषा बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो ये इतनी अनेक भारत में भाषाएं हो गई हैं, उनसे एक तो नहीं हो सकती है। एक होती है जब एक राज्य, एक वो राजा वगैरह हो, एक धर्म हो, एक कुल हो, एक मत हो, सो तो अभी स्थापना हो रही है नई दुनिया की, जहां एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक राजा होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा। तो एक होती है जब तक जब एक राज्य है, एक वो वगैरह हो, सो तो स्थापना हो रही है। तो खुशखबरी सुनानी होती है, ठीक है ना, कि अभी बाप आए हैं बेहद का, तो बेहद की राजधानी, बेहद का राज्य स्थापन करते हैं, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा, ठीक है ना। ओ किसको भी गवर्नमेंट को लिखो, उनको भी लिखो,
यह जो अखबार में डालते हैं उनको भी लिख सकते हो। और गांधी जी के नाम पर भी लिख सकते हो कि खातरी करो कि एक लैंग्वेज, एक राज्य, एक ये 9 वर्ष में स्थापन हो रहा है। क्या कब की मुरली है? 67 की है ना, खत्म हो रहा है 67 का आखिरी महीना। तो कितने साल रह गए? नौ साल रह गए ना। तो बताया कि 9 साल में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा की स्थापना हो रही है। हुई? अरे हुई कहाँ हुई? 76 में हो गई है? हुई नहीं हुई? अच्छा, मन बुद्धि, ये क्या होता है मन बुद्धि? हाँ, एक लक्ष्मी की बुद्धि, लक्ष्मी की बुद्धि में हुई। वाह भैया, लक्ष्मी नारायण दोनों की बुद्धि में हो गई। हाँ, जब लक्ष्मी नारायण 76 में बताया कि जन्म हुआ, हाँ, लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो लक्ष्मी नारायण तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा थी, इसीलिए तो उनकी पूजा की जाती है मंदिरों में। बाकी तो न दूसरे दूसरे धर्म रहेंगे। गीता में भी लिखा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बाप भी कहते हैं सब धर्मों को छोड़ो, एक आदि नारायण का धर्म स्थापन हो रहा है, तो अनेक को छोड़ो और न अनेक भाषाएं अब रहेंगी। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा नाम निकलेगा कुछ न कुछ। तो भले अपने नाम पर भी लिख सकते हो क्या? हाँ, और ब्रह्मा कुमारियों का अगर नाम न लिखें तो नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अखबारें पढ़ते हैं, मौका मिलते हैं, कुछ न कुछ लिखते रहे। अरे बड़े बड़े शहरों में बड़े अंग्रेजी वाले, और बच्चों की भी बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो लिखें तो बाप भी समझे। ये भी एक प्रकार की जिद कहो। रिस्पॉन्ड करना किसको? और ये जो इंग्लिश में निकले सो हिंदी में भी निकलते होंगे अखबार, तो हिंदी भी या अखबार अंग्रेजी के दोनों में डाल सकते हो। तो कोई हिंदी अखबार में ही गुजरात में भी निकलते होंगे, गुजराती में, तो गुजराती अखबार में भी तुम लिख सकते हो। शुद्ध गुजराती में लिखना चाहिए। तो बाबा समझे कि इनका विचार सागर मंथन भी अच्छा चलता है। जरूर ये बच्चे अखबारें भी पढ़ते हैं, और इनको सर्विस करने का भी शौक है अखबार में। तो आगे चल करके नाम तो ऐसों के निकलते रहेंगे ना, और बाबा तो डायरेक्शन तो देते ही है ना बच्चे, श्रीमत तो मिलती है। कोई करे या ना करे, एक कीमत मिलती है।
हाँ, हिंदी तो होगी ही नहीं, समझे ना? तो भी लिख देने का है कि वो तो डीटी सावरेंटी की जो लैंग्वेज होगी वो ही होगी। नई दुनिया में जो आजकल ये हिंदी चल रही है वो नहीं होगी। हाँ, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, इशारे की भाषा होगी। तो कोई ये हिंदी नहीं होगी कभी भी। अरे हिंदी लैंग्वेज है ही नहीं वास्तव में, कायदे मुजब न हिंदू धर्म है कोई, न हिंदू धर्म का स्थापक है कोई, जैसे और धर्मों के धर्म स्थापक है ना, है मोहम्मद है मुस्लिम धर्म का धर्म स्थापक है ना, हा? और बुद्ध है बौद्ध धर्म का स्थापक, क्राइस्ट है क्रिश्चियन धर्म का स्थापक है ना। तो उनकी उनकी अपनी भाषा भी है, और लैंग्वेज अच्छा हिंदी नहीं तो कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए। भारत की भारतीय भारतीय लैंग्वेज, क्योंकि है तो भारत ना, ये कोई हिंदुस्तान तो नाम नहीं है ना, ये तो विदेशी लोग आए है भारत के पश्चिम से सिंधु नदी को पार करके, तो सिंधु नदी के रहने वालों को आसपास रहने वालों को सिंधु सिंधु कहना शुरू कर दिया। सिंधु से उन्होंने नाम ही स्थान का डाल दिया सिंधुस्तान, तो सिंधुस्तान से बदल के हो गया हिंदुस्तान। अच्छा चलो हिंदी लैंग्वेज ही चले, ऐसे बहुत चीजें पढ़ती हैं अखबार में, और किसम किसम की अखबारें पढ़ते हैं। जैसे ये कहते हैं 2-3 बरस में हम ऐसी योजना बनाएंगे, बनाते हैं 5-ईयर प्लान बनाते हैं ना, हर बार फेल हो जाते हैं, उनका 5-ईयर प्लान कभी पूरा ही नहीं होता। और बाप देखो 76-77 में ऐसा 5-ईयर प्लान तैयार कर देते हैं कि क्या भारत क्या बन जाता है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन के बैठ जाता है। क्या भारत जो सारे भारत में घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता था वो क्या होता है, फुल प्रिंस बन करके बैठ जाए, फिर किसी से भीख मांगता है, हैं? नहीं। तो देखो अब वो जो कहते हैं प्रजातंत्र सरकार वाले कि 2-3 बरस में अन्न नहीं मांगना पड़ेगा विदेशों से, ऐसी प्लानिंग बनाने की बात करते हैं, तो उनको उसमें लिख देना है कि ड्रामा के प्लान अनुसार और गीता के कायदे के अनुसार ये तो विनाश होने का है, ये तो दुकाल टुक्कड़ डुक्कड़ पड़ने का है और बहुत सारी कैलमिटीज आने की हैं। क्योंकि विनाश के साथ है, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है ना, कैसे सामने खड़ा है, अरे नहीं खड़ा है, कैसे साबित करेंगे है? अरे
साबित करेंगे। ढेर सारी एटमिक एनर्जी देशों ने बना बना के तैयार कर लिए, तो कि ये अपने घर की सजावट के लिए तैयार कर लिए है, बनाई है तो यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिना सामने खड़ा है कि नहीं। हाँ, 14/12/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो देखो, इस विनाश के साथ बच्चों को मालूम है क्या होगा कि सिर्फ बॉम्ब्स नहीं चलते हैं, बॉम्ब्स के साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ना, वो भी चलती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि है, भूकंप, ये होगा कि नहीं? हाँ, तो ये भी आते हैं ना बच्चे, भूखमरी, तूफान है, गेरुका वगैरह वगैरह, जिसमें सब नाश होने वाला है। तो इसका भी तुम लिख सकते हो क्या, कि विनाश तो सामने खड़ा है, और तुम लोग तो ऐसे प्लान बनाते रहते हो हैं, और बार बार प्लान बनाते रहते हो, तुम्हारे प्लान कभी पूरे होते ही नहीं, बातें ही बनाते रहते। तो एक एक बात जो कोई वो लिखते हैं, तो उसका जवाब तुम लिख सकते हो। कौन सा प्लान? 5 ईयर प्लान नहीं बनाती गवर्नमेंट बार बार है? हाँ, उनकी 5 ईयर प्लान कभी पूरी नहीं होती। कि तुम तो सभी, तुम्हारी प्रदर्शनियों में, उनमें 9 वर्ष के अंदर से तुम कहते हो ना, तुम्हारी प्रदर्शनी के चित्रों में नीचे लिखा हुआ है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ, 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश, शायद सीढ़ी के नीचे भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो विनाश होगा, और एक राज्य, एक लैंग्वेज, एक फलाना, ये सब होगा। तो बाबा ने लिखा था उनको, जब प्रभात फेरी निकालो तो ये चित्र साथ में लेकर के निकालना, जिनमें नीचे लिखा हुआ है 76 में, माने 67 की वाणी है ना, अब से 9 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो के रहेगी। कहा? हाँ, जो दुनिया का बीज है ना, है आदम को बीज कहते हैं ना, तो मुकर रथ बीज है, उसे बीज रूप आत्मा के अंदर ये मन बुद्धि में पूरी स्थापना हो जाएगी, और विनाश भी उस मन बुद्धि में हो जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया, दिन में तो देखने में नहीं, चित्र में भी हैं, पास हैं और पेंट किए हुए हैं, वो ही निकालो साथ में कि ये नई दुनिया स्थापन हो रही है, और ये राज्य था नई दुनिया का, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक ही राजा का राज्य था। तो षष्ठी चक्र के अनुसार अभी फिर ये रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, परंतु इस हिस्ट्री को, इतनी पुरानी हिस्ट्री है कि मनुष्य तो जानते ही नहीं। मनुष्यों के पास कितने वर्ष की हिस्ट्री है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा, प्रूफ प्रमाण सहित।
ये हिस्ट्री बाप आकर बताते हैं नई दुनिया की। 2500 साल पहले इस भारत में पैराडाइज था, अब ये स्थापना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और उन द्वारा विनाश, किन द्वारा है और कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना? अरे यही ब्रह्मा जिसमें बोल रहे हैं। क्या स्थापना है? सूर्यवंशी ब्राह्मण कुल की स्थापना और काय का विनाश और किसके द्वारा? वो तीसरी मूर्ति बैठी है ना त्रिमूर्ति में, शंकर द्वारा, उनके द्वारा विनाश। सो तो इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो इन चित्रों में लिखा हुआ है कि नहीं। इनके तो छोटे अक्षर हैं और उन चित्रों में तो बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो सारा दिन अखबार भी पढ़ना, सर्विस का चिंतन भी करना, कैसे उगारी आए बुद्धि में, कैसे जगाना। तो ये पब्लिक को जगाना भी तो है ना बच्ची, क्योंकि भक्ति मार्ग की नींद में सोए पड़े हैं ना। कौन सोए पड़े हैं? अरे कौन सोए पड़े हैं? सारा भारत सोए पड़ा है, भारतवासी सोए पड़े हैं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात की ना, ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया की स्थापना की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया की 9 वर्ष के अंदर स्थापना होने वाली है। अभी सोए पड़े हैं और जो बच्चे हैं, क्या कच्चे नहीं, जो बाबा के बच्चे हैं, क्या चच्चे भी नहीं, चाचा बन करके बाबा को ही डायरेक्शन देने लग पड़े। हाँ, बच्चे तो जानते हैं, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान तो सिर्फ तुम्हारे पास है, क्योंकि बच्चे लिख भी सकते हैं। तो ज्ञान ब्राह्मणों में होता है और देवता बन जाते हैं इस ज्ञान से, फिर तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ऐसे ही तो भगवान कहते हैं। तो कुछ न कुछ ये चित्र ठीक है, अखबार में डालने से बुद्धि में बैठेगा, रंगीन थोड़ा ज्यादा शोभता है। क्या शोभने की बात? क्यों सीधा साधा क्यों नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में? क्योंकि बच्चे कहां आकर्षण होते हैं, बच्चा बुद्धि रंगीन के ऊपर आकर्षण होते हैं। बहुत सुंदर लगता है, शोभता है। वो जो वीकली है ना, साप्ताहिक, उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो छोटा बनेगा ना, रंगीन शोभा भी देंगे और नॉलेज भी क्लियर लिखी पड़ी है। इसके लिए भी लिखा हुआ है, फलाने समय से फलाने समय तक है, संबत एक एक से लेकर के 2500 वर्ष तक ये नई दुनिया की स्थापना होनी ही होनी है। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।